हाँ तो बंधुओं, मित्रों, सभी लोग सकुशल रहें ऐसी आशा करता हूँ। प्रभु का नाम लेते रहिए, सकुशल वैसे भी रहेंगे। तो आज थोड़ा सनातन धर्म से हट करके कुछ दूसरी बात सुनी जाए। हाँ, पूरा सुनिए तो मज़ा आएगा, ऐसे नहीं। तो एक पढ़ा हुआ किस्सा है, सोचता हूँ साझा करूँ सबके साथ। रोचक किस्सा, अगर सुने हैं तो बहुत अच्छी बात है, आगे बढ़ाइएगा। आगे बढ़ाने का अर्थ ये है कि भाई पढ़ना नहीं पड़ेगा, सुन लेगा अगला व्यक्ति या जो भी सुनना चाहेगा। तो चलिए आते हैं। एक राजा के दरबार में एक आदमी नौकरी मांगने के लिए आया। उससे भाई उसकी काबिलियत पूछी गई, क्या भाई कौन सी काबिल हो, टैलेंट हो, क्या है मैटर। बोला, मैं आदमी हूँ चाहे जानवर हो, उसकी शक्ल देखकर उसके बारे में बता सकता हूँ। राजा कहा कि बड़ी बढ़िया काबिलियत है भाई, तो टैलेंट है, इसकी कदर करनी चाहिए। और उसने उसे इंचार्ज बना दिया अस्तबल का। कुछ दिन बाद राजा उससे अपने सबसे महंगे और मनपसंद घोड़े के बारे में पूछा। तो उसने कहा, नस्ली नहीं है, मतलब ब्रीड सही नहीं है। राजा को हैरानी हुई, उसने जंगल से घोड़े वाले को बुलवाया। कहा, क्या भाई घोड़ा सही ब्रीड का नहीं है, नस्ली नहीं है। तो उसने बताया कि घोड़ा नस्ली तो है, लेकिन पैदा होते ही इसकी माँ मर गई थी, इसलिए गाय का दूध पीकर उसके साथ पला बढ़ा है। राजा ने अपने नौकर को बुलाया, पूछा, भाई तुम्हें कहाँ से पता लग गया कि ये नस्ली नहीं है। उसने कहा, भाई जब घास खाता था तो गायों की तरह सर नीचे करके, जबकि जो नस्ली घोड़ा होता है मुंह में ले करके सर उठा करके घास जो है खाता है। खैर, काबिलियत से राजा खुश हो गया और ढेर सारा अनाज, घी, मुर्गे, बकरियां इनाम में उसके घर भिजवा दिए। अब उसको जो है भाई प्रमोशन मिला और रानी के महल में तैनात कर दिया गया। अब राजा ने कहा कि अच्छा ये बताओ, रानी के बारे में क्या राय है। उसने कहा कि भाई तौर तरीके तो रानी जैसे हैं, लेकिन पैदाइशी नहीं है। पर राजा के तो पैरों तले जमीनें खिसक गई। कहें अरे, राजा ने अपनी सास को बुलवा भेजा। तो सास ने कहा कि हकीकत तो ये है कि आपके पिताजी ने मेरे पति से हमारी बेटी की पैदाइश पर ही रिश्ता मांग लिया था, लेकिन हमारी बेटी 6 महीने में ही मर गई थी। लिहाजा हमने आपके रजवाड़े से करीबी रिश्ता बना रहे इसलिए किसी और की बच्ची को अपनी बेटी बना लिया। अब राजा ने फिर बुलवाया उस आदमी को, अपने नौकर को, कहा तुमको ही कैसे पता लगा। उसने कहा, रानी साहिबा का नौकरों के साथ सलूक गवारों से भी बुरा था। एक खानदानी इंसान का दूसरों से व्यवहार करने का तरीका जो होता है वो रानी साहिबा में बिल्कुल नहीं था। राजा बड़ा खुश हुआ, भाई बारखी नजर है, बहुत खुश हुआ। ढेर सारा अनाज, भेड़ बकरी, खूब इनाम उसके घर भिजवाया। राजा ने उसे अपने दरबार में ही तैनात कर लिया। और कुछ समय बीता तो जो नौकर रखा गया था उसने एक दिन राजा से कहा कि जान की सलामती हो तो एक बात कहूँ। राजा ने भी वादा किया कि जो भी कहोगे उस पर तुम्हें कोई कुछ नहीं कहेगा। नौकर ने बड़ा डरते हुए कहा कि ना तो आप राजा के बेटे हैं और ना ही आपका चलन राजाओं वाला है। अब राजा को बहुत गुस्सा आया, भयंकर, मगर जान की सलामती का भाई वचन दे चुका था। लेकिन वो भी तनतनाता हुआ सीधा अपनी माँ के पास पहुँचा। माँ ने कहा, ये तो बेटा सच है कि तुम एक चरवाहे के बेटे हो, हमारी औलाद नहीं थी तो तुम्हें गोद लेकर हमने पाला और राजा बनाया। अब तो भाई राजा ने नौकर को बुलाया, ये बताओ भाई तुम्हें ये कैसे पता चला।
उसने कहा कि जब राजा किसी को इनाम दिया करते हैं तो हीरे मोती जवाहरात कुछ इस तरह से इस टाइप में इनाम देते हैं, लेकिन आप भेड़ बकरियां खाने पीने घी मुर्गा ये रवैया राजा का नहीं हो सकता, चरवाहे के बेटे का हो सकता है। तो किसी इंसान के पास कितनी भी धन दौलत सुख समृद्धि रुतबा बुद्धि बाहुबल ये सब बाहरी दिखावा है, इंसान की असली पहचान उसके व्यवहार और उसकी नीयत से होती है। चलिए आप लोग सकुशल रहें, प्रभु का नाम लेते रहिए, सबसे ज़्यादा जो है ज़रूरी आवश्यक है जीवन के लिए। कि जय श्री राम, धन्यवाद।